आज के इस टेक डीजी वीडियो में हम और आप करेंगे Redmi 9 पार का रिव्यू। फोन लॉन्च हुआ था 22 दिसंबर को और अब करीब डेढ़ महीने के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और क्या इसकी वीकनेसेस हैं, यही सब आप आज इस वीडियो में जानेंगे। स्पेक्स तो आप सबको पता ही होंगे, सो इस वीडियो में मैं स्पेक्स से ज्यादा फोकस करूंगा इस फोन की फील और इसकी परफॉर्मेंस पर। लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। तो डिजाइन के मामले में आप अफोर्डेबल और मिड रेंज सेगमेंट फोन से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस वही कहानी यहां भी है। इस फोन में आपको प्लास्टिक बैक मिलती है विद मेटल फिनिश, जिसकी वजह से इस पर फिंगरप्रिंट स्मजेस नहीं आते। मैंने विदाउट कवर इस फोन को यूज किया है और इस पर स्क्रैचेस भी नहीं आए। इस फोन में Redmi एक अलग डिजाइन लैंग्वेज के साथ गया है। बैक पैनल पर जो रियर कैमरा है उसको रेक्टेंगुलर मॉड्यूल में वर्टिकली अलाइन किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रियलमी के कुछ फोन में आपको देखने को मिलता है, लाइक रियलमी 7i। बट इट्स गुड, इट्स वेरी सिंपलिस्टिक डिजाइन और साइड में Redmi की जो ब्रांडिंग है इट लुक्स एलिगेंट। डिजाइन वाइज इट्स अ गुड हैंडसेट। वेट इसका 198 ग्राम है और 9.6 एमएम की इसकी थिकनेस है, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द Redmi 9 Prime। बैक पैनल पर जो टेक्सचर्ड फिनिश है उसकी वजह से ग्रिप आपको अच्छी मिल जाती है और फोन हाथ से फिसलता भी नहीं है। इन हैंड फील जो है वो भी काफी अच्छी मिलती है। वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट यहाँ पर कि साइड को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो साइड थोड़ी उभरी हुई है, जिससे ग्रिप जो है वो अच्छी खासी मिल जाती है। Redmi ने साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन में दिया है। इट्स नॉट द फास्टेस्ट बट डज द जॉब, सो नथिंग मस्ट टू कंप्लेन अबाउट व्हेन इट कम्स टू डिजाइन। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। सो डिजाइन में तो कुछ चेंजेस Redmi ने किए थे, लेकिन 9 पार में आपको वही डिस्प्ले मिलती है जो Redmi 9 और 9 Prime में। 6.53 इंच का फुल HD प्लस पैनल आपको यहां पर मिल जाता है और अगर आपने Redmi 9 और 9 Prime यूज किए हैं तो यू वुड नो कि इट्स अ डिसेंट पैनल विद गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन। बहुत ज्यादा पंची कलर्स मैं कहूंगा यहां पर नहीं आते हैं, बैलेंस कलर प्रोटेक्शन आपको यहां पर मिलता है जैसा आप एक बजट फोन में एक्सपेक्ट करते हैं। इट्स क्वाइट ब्राइट और इवन डायरेक्ट सनलाइट में फोन यूज करने में कुछ इश्यूज मैंने फेस नहीं किए। और हाँ, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो आप नेटफ्लिक्स Amazon प्राइम से फुल HD रिजोल्यूशन में कॉन्टेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज। सो यहाँ पर है 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। प्राइमरी कैमरा सैमसंग का GM1 सेंसर है। मेन सेंसर डे लाइट में डिसेंट इमेजेस क्लिक करता है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कलर्स थोड़ा इधर उधर कभी कभी हो जाते हैं विद लाइट ब्लूइश टिंट, बट ओवरऑल डे लाइट में अच्छी इमेज आ जाती है कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। लेकिन लो लाइट में कैमरा थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है और ये प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि हर बजट फोन में आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर इमेजेस में जो है आपको नॉइज मिलती है। डेडिकेटेड नाइट मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है एंड सरप्राइजिंगली फॉर अ बजट फोन इट परफॉर्म्स वेल। नाइट मोड के फोटोज अच्छे आते हैं। सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है एंड क्लिक्स गुड सेल्फीज फोटोज विद इनफ डिटेल्स। सो ओवरऑल इट्स अ डिसेंट इनफ कैमरा इन डे लाइट एंड फॉर सेल्फीज। नेक्स्ट इज प्रोसेसर। 9 पावर में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 662, विच इज अ डिसेंट इनफ चिपसेट फॉर बजट फोन्स। डे टू डे यूजेज में फोन अच्छा काम करता है। मल्टीटास्किंग के वक्त भी फोन में कोई लैग और स्टटर मैंने नहीं देखा, मुझे फील नहीं हुआ बहुत ज्यादा। ऐप लोडिंग टाइम भी एट पार रहा। इफ आई टॉक अबाउट गेमिंग, तो मीडियम ग्राफिक्स में आई प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी एंड इट वॉज स्मूथ एक्सपीरियंस और फ्रेम रेट भी ड्रॉप नहीं हुआ। हाँ, लॉन्गर गेमिंग सेशन में फोन थोड़ा हीट होता है, बट दैट वॉज मैनेजेबल। MIUI के एक्सपीरियंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इट वॉज स्नैपी विदाउट एनी लैग एंड आई लाइक दैट परफॉर्मेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। तो बैटरी 6000 mAh की है और इवन ड्यूरिंग मॉडरेट यूजेज मुझे इससे 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल गया। हैवी यूजेज में जहां आप गेमिंग करते हैं, 6-7 घंटे स्क्रीन टाइम आपका होता है, तब भी इजीली 1 दिन का बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। बैटरी बैकअप आई वुड से इज वन ऑफ द USP ऑफ दिस फोन। सो अब आते हैं मेन सवाल पर कि क्या आपको Redmi 9 पार लेना चाहिए। वेल इट्स नॉट सो टफ टू से, क्योंकि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड फोन विद मैसिव बैटरी, डिसेंट इनफ कैमरा सेटअप और इसकी जो डिस्प्ले परफॉर्मेंस है वो भी एट पार है। 10 से 15 हज़ार रुपये के जो सेगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड है और आई वुड से कि इसको क्राउडेड भी Redmi और Realme ने ही बनाया भाई। जितने भी फोन्स लॉन्च होते ज़्यादातर इसी सेगमेंट में लॉन्च हो जाते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 11 हज़ार रुपये है तो Redmi 9 पार इज़ अ गुड बाय और इस फोन के साथ आपको ज़्यादा शिकायतें नहीं होंगी। आपकी क्या राय है Redmi 9 पार के बारे में, ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं। और ऐसे ही और दूसरी इंटरेस्टिंग टेक वीडियोज़ के लिए देखते रहें टेक इट इज़ी।